आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए हमारा क्वेश्चन है, वायवीय श्वसन के दौरान विमोचित ऊर्जा का कितना भाग एटीपी के रूप में से संरक्षित होता है। चार विकल्प हमें यहाँ पे दिए हुए, तो देखते हैं कितने प्रतिशत भाग, कितना भाग हमें संरक्षित होता है। देखिए वायवीय श्वसन या एरोबिक श्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का टूटना क्या कहलाता है? वायवीय श्वसन या एरोबिक श्वसन। देखिए यह कोशिका के कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें? कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह कोशिका के कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। देखिए एरोबिक श्वसन या वायवीय श्वसन के दौरान पहला कदम ग्लाइकोलाइसिस है। पहला क्या है? पहला चरण ग्लाइकोलाइसिस है जिसमें एटीपी के आठ अणु का शुद्ध गठन होता है। इसके बाद लिंक प्रतिक्रिया है, जिसमें क्या होता है, किसमें पाइरूविक अम्ल होता है जो कि ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पादन एसिटाइल सीओए में परिवर्तित हो जाता है, और इस प्रतिक्रिया में एटीपी के छह अणु बनते हैं। कितने अणु बनते हैं? छह एटीपी अणु बनते हैं। लेकिन ये फेब्स चक्र में शामिल नहीं होते। ये जो छह एटीपी अणु बनते हैं, ये फेब्स चक्र में शामिल नहीं होते हैं। देखिए ये केब्स चक्र में शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। ये एसिटाइल सीओए केब्स चक्र में प्रवेश करता है। जब एसिटाइल सीओए केब्स चक्र में प्रवेश करता है जिसके परिणाम स्वरूप एटीपी के 30 अणु बनते हैं। एटीपी के 30 अणु बनते हैं तो एटीपी का शुद्ध गठन कितना हो गया? देखिए 30 और एटीपी के 8 अणु, तो कितने हो गए? 38 अणु। एटीपी का शुद्ध गठन 38 है। यह कुल ऊर्जा का 40% है जो एटीपी के रूप में संरक्षित रहता है। ये 40% कुल ऊर्जा। तो देखिए 40% यानी कि 0.4। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा?
वायवीय श्वसन के दौरान विमोचित ऊर्जा का कितना भाग एटीपी के रूप में संरक्षित रहता है? 0.4 या 40%, यानी हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प बी। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।